मुंबई को हार्दिक की कमी खल रही है। बिल्कुल, क्योंकि जिस टेम्पलेट के साथ जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट मुंबई इंडियंस खेलती है वो काफी कुछ निर्भर करता है पोलार्ड और हार्दिक के ऊपर। आखिरी 4-5 ओवर 6 ओवर में कहीं ना कहीं हार्दिक का ना रहना और सिर्फ पोलार्ड का रहना, साथ में क्रुणाल भी है ऐसी बात नहीं, लेकिन हार्दिक का ना रहना वो थोड़ी कमी जरूर खल रही है मुंबई। केकेआर पर मॉर्गन की कप्तानी की छाप दिखने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है जब आप एक फिलोसफी से दूसरे फिलोसफी जाते हैं, जिस तरीके से आप खेलते हैं थोड़ा सा वक्त प्लेयरों को भी लगता है अडाप्ट करने में, और अब शायद वो दिखने लगा है। हो गए साल भर हो गए मॉर्गन को कप्तानी करते हुए, अब वो फर्क दिख रहा है, अब लग रहा है कि ये मॉर्गन का टीम। केकेआर को टॉस जीतने का फायदा मिला? मैं ये नहीं कहूंगा ना मेरे हिसाब से, और ये क्योंकि आबू धाबी का जो वो पिच है, जो कंडीशंस हैं उसमें 50-50 है, आप चेज करते हुए भी मैच जीतते हैं और पहले बैटिंग करते हुए भी आप मैच जीतते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से टॉस से ज्यादा श्रेय जाएगा गेंदबाजों को पहले केकेआर के, और उसके बाद डेफिनेटली बल्लेबाजों को। केकेआर की बॉलिंग से ज्यादा मुंबई की बैटिंग थी हार की वजह? हाँ, काफी हद तक, और इसलिए कहूंगा क्योंकि जहाँ की गेंदबाजी बहुत अच्छी रही, बहुत पुख्ता रही, चाहे वो स्पिनर हो फास्ट बॉलर हो, कहीं ना कहीं जो आउट ऑफ फॉर्म सूर्य कुमार यादव हैं, आउट ऑफ फॉर्म ईशान किशन हैं, हार्दिक का ना खेलना, वो भी थोड़ा सा भारी पड़ रहा है मुंबई इंडियंस को इस बार।